हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल एबीसीडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ मयूर और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस 4K कैमरे को डिसेंबर। तो गाइस, ये अच्छा सा एग्जांपल है एम्बेडेड सिस्टम का, जिसमें लगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंबाइन की है पूरे एक सिस्टम। तो गाइस, हम इसका हर एक पार्ट अलग निकालेंगे और डिस्कस करेंगे इसके हर एक पार्ट के बारे में और इसके वर्किंग के बारे में जब ये एक्चुअली रन होता है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4K अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड करता है और वाईफाई से मोबाइल पर ट्रांसफर होता है या फिर लाइव स्ट्रीम भी हो सकता है मोबाइल पर, इन पर्टिकुलर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वाईफाई कवर करता है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा HD में तो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया इस कैमरे से, तो पता नहीं। तो गाइज, यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते कि ये कैमरा एक्चुअली रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो गाइज पहले हम इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कैमरा ऑन हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैमरा अच्छे से काम कर रहा है। जैसे हम कुछ फोटोज निकालेंगे और कुछ सेटिंग्स भी देखेंगे इन शॉर्ट्स में। तो यहाँ पे जैसे ओके, तो ये अभी कैप्चर मोड में आ गया है। ओके सर, अब आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है। तो गाइज, जैसे कि हमने देखा ये कैमरा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और पता नहीं 4 किलो पिक्सल रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो अगर आपको इसको परचेस करने का प्लान बना रहे हो तो कैंसिल कर दीजिए प्लान। तो गाइज, ये हो गया इसका वर्किंग, जो अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं इसको वाईफाई मोड में शिफ्ट करता हूँ, ओके, तो गाइज इसके जो रिजोल्यूशंस है यहाँ पे 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड एंड अलग अलग टाइप्स के रिजोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इसकी जो क्वालिटी रहती है वो बहुत ही देखने लायक रहती है। एक बार अगर आपने इससे पिक्चर रिकॉर्ड कर ली तो दोबारा नहीं करेंगे। तो गाइज, ये अभी हम इसको डिसेबल करेंगे, पहले हम इसको शट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यही डिवाइस नहीं, कोई भी डिवाइस आपको डिसेबल करने से पहले उसका पूरा पावर का सेक्शन निकालना पड़ता है। तो पहले हम इसकी बैटरी को इससे अलग करेंगे, लाइकवाइज। ओके, तो गाइज यही नहीं, कोई भी सर्किट जब आप उसको ओपन करते हो या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हो तो पहले उसका पावर सेक्शन अलग निकालिए, और ना वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.7 लियोन की बैटरी है, 900 mAh की, जो एक दिन के लिए इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, मेड इन चाइना। ओके, सो इसको मैंने 1500 में परचेस किया था, शायद अभी इसकी प्राइस 2000 और 2500 से। तो गाइज, ये बैटरी हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेंसर लगा है कैमरे का वो बहुत ही सिंपल सादा सा सेंसर लगा है, लेकिन उसके ऊपर जो ग्लास लगाया है उससे वो 180 डिग्री वो कैप्चर कर सकते हैं, वरना इस कैमरे की कैपेसिटी नहीं है कि 180 डिग्री वो कैप्चर कर सके। ठीक है, तो गाइज पहले हम इसको यहाँ से डिसेंबल कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हमने 4K निकाल लिया अपने कैमरे से, अभी ये रहेगा कैमरा। ओके, ठीक है, तो ये स्विच है, पावर स्विच, जिससे हमारा कैमरा ऑन ऑफ होता है। तो पहले हम पूरा इसको डिसेंबल कर देते हैं, बाद में इसको डिस्कस करते हैं हर एक पार्ट के बारे में। ओके, देन मैंने इसको निकाल लिया अभी। तो ये स्पीकर एंड तो आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर जो है स्क्रीन को कनेक्टेड है। ओके, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो गाइज, ये है हमारे कैमरे के अंदर के पार्ट्स। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने मेमोरी पहले नहीं निकाली थी। तो आप अगर कुछ भी ऐसे करते हैं तो जो एक्सटर्नल पार्ट्स से, अगर मोबाइल को भी आप डिसेबल करते हो तो इसके जो अलग के पार्ट्स से मेमोरी एंड बैटरी और अदर कुछ, तो पहले उसको रिमूव कर दे। तो गाइज, ये डिस्प्ले है जो रिकॉर्ड करते समय में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ओके, एंड ये पूरा इसका बोर्ड है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड या फिर इसका मदर बोर्ड कर सकते कह सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम डिसेबल करेंगे।
तो गाइस हमने यहाँ पे इसके मदरबोर्ड को इसके कवर से बाहर निकाल लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये फोटो सेंसर है जिससे इमेज कैप्चर होते हैं, और ये यहाँ पे माइक दिया हुआ है और बहुत कुछ कम्युनिकेशन कनेक्शंस भी दिए है। ठीक है, तो हम इसको पहले निकाल देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो आपका कैमरा है वो है, इसको भी हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं लेकिन पूरा डैमेज हो जाएगा। तो गाइस ये है मदरबोर्ड। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कनेक्टेड है और डिस्कस करते हैं हर एक पार्ट में कि एक बेसिकली कैसे काम करता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये किट का, तो ये है वाईफाई के लिए, जो भी हमारा इमेजेस कैप्चर करते हो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल में यूजिंग वाईफाई, या फिर लाइवली जो हमारे इस डिस्प्ले पे दिख रहा होता है वो भी हम मोबाइल पे लाइवली देख सकते हैं। इसके लिए किट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है वाईफाई। ओके, और ये जो यहाँ पे है ये है इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज का एंटीना। ओके, तो आप यहाँ पे स्पीकर देख सकते हो जो इमेज जब कैप्चर करते हैं तब यहाँ से आवाज़ आती है। ओके, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है मेन ये है माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो ये डिवाइस सिंगल काम करता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड इमेज कैप्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे सिंपली ये कंट्रोलर्स यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो स्पेशली इनपुट जो हमारा इमेज जो कैमरा मॉड्यूल है इससे जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ओके, ये है और बेसिकली ये आउटपुट के लिए जो यहाँ पे हम डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए एक पोर्ट दिया है जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस कैमरे से अंदर पीसी में यूजिंग केबल, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए एसडी कार्ड भी कनेक्ट किया है, और सभी का कनेक्शन इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ है। जो और जो सेटिंग्स वगैरह होती है वो भी इस माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी में स्टोर किए होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसको भी स्क्रीन को भी अलग निकल के देता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन अलग नहीं निकल सकती, अदरवाइज ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। तो गाइज ये है हमारा आज का पूरा डिसेंबर किए हुए पार्ट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ट्यूटोरियल्स रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।